कोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर लोकसभा में आज भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है, लेकिन इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बात हुई थी, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान की बातचीत में मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। पुराने कानून में संशोधन के बाद सड़कों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में बोलते हुए कहा कि संशोधन के जरिए वह राज्य के अधिकार में कोई दखल नहीं देना चाहते हैं। संशोधन के प्रावधानों को लागू करना राज्य की मर्जी पर निर्भर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान पर देश में काफी हंगामा मचा हुआ है। इसी मुद्दे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का गजब हाल है, इमरान खान के चीयर लीडर की तरह बर्ताव करते हैं। इमरान कश्मीर का राग छोड़े और पीओके हिंदुस्तान को सौंपने की तैयारी करे, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, नेहरू की नहीं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस सरकार के गिरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो जीता वही सिकंदर है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार जुगाड़ से चल रही थी। साथ ही नकवी ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए पूछा कि कांग्रेस ने आज तक जो किया क्या वो लोकतंत्र था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक दिन बीजेपी को यह पता चलेगा कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, हर किसी के पीछे नहीं पड़ा जा सकता और हर झूठ आखिरकार बेनकाब होता है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है और पर्यावरण और राजस्व को हो रहे नुकसान का हवाला दिया गया है। साथ ही अवैध खनन की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। दिल्ली पुलिस के लापरवाह कर्मियों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है। विजिलेंस विभाग ने सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि अपनी ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से जबरन सेवानिवृत्ति दे दी जाए। इस आदेश के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में यह बीजेपी को भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, समय का इंतजार कीजिए, अंतिम विजय सत्य की होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। बाढ़ से हालात का जायजा लेने दरभंगा पहुंचे नीतीश कुमार अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। इसी मुलाकात के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर नीतीश और लालू की पार्टी में कोई खिचड़ी पक रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मॉब लिंचिंग के लिए आरएसएस और बजरंग दल पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि मॉब लिंचिंग के पीछे आरएसएस और बजरंग दल है। विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। विजयवाड़ा के राजभवन में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सी प्रवीण कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्य सरकार के मंत्री और अन्य मंत्री वहां शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार कबूल किया है कि पाकिस्तान में 40 अलग अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। इमरान ने माना है कि पुलवामा हमले के लिए जैश ए मोहम्मद ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हमारे जैसे लोग चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर फिल्म जगत की 49 हस्तियों ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे लेटर में मणिरत्नम, अदूर गोपाल कृष्ण, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से एक ऐसा माहौल बनाने की मांग की है जहाँ असहमति को कुचला नहीं जाए। इस पत्र में लिखा है, हर धर्म, समूह, लिंग, जाति के लोगों को बराबर अधिकार है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। सुष्मिता सेन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वो जिमनास्टिक रिंग्स के साथ वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। ये पोस्चर असल में कर पाना बेहद मुश्किल होता है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।